हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर फ्राइड मोमोज। साथ में बनाएंगे मोमोज की बिल्कुल तीखी स्पाइसी चटनी, बिल्कुल मार्केट की तरह। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। गैस ऑन करेंगे, एक पतीला ले लिया है। पतीले में आधा से पौना ग्लास पानी डाल लेंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लग गया है, गैस को मीडियम पे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 से 10 साबुत लाल मिर्च ले लिया है, उबलते हुए पानी में डाल लेंगे। 5 मिनट बॉयल होने देंगे। 4 टमाटर को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे, ठंडा होने देंगे टमाटर को। टमाटर ठंडा हो चुका है, एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में टमाटर का छिलका भी हटाते जाएंगे, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। टमाटर मैं निकालती जा रही हूँ, साथ में छिलका भी हटाती जा रही हूँ। प्लेट में रख लेंगे, सारे टमाटर से ऐसे ही छिलका हटा लेंगे। मिर्च भी पानी से बाहर निकाल लेंगे और टमाटर के साथ ही रख लेंगे। मिक्सी जार ले लिया है, टमाटर और मिर्च को ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी जार में। मिक्सी जार का ढक्कन लगा के पीस लेंगे पेस्ट की तरह। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गरम हो चुका है, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून बारीक कट किया लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक कट किया अदरक, हल्का सा भून लेंगे। टमाटर और मिर्च का पेस्ट, गैस को मीडियम पे रखेंगे, मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी। किसी भी तीखी चीज़ में चीनी ऐड करने से तीखापन और भी इन्हेंस हो जाता है। मिक्स करेंगे, हाफ टी स्पून सिरका, 1 टी स्पून सोया सॉस। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे चटनी को। चटनी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, गैस को ऑफ कर लेंगे। मोमोज की चटनी हमने तैयार कर लिया है, अब मोमोज की पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है, 1/2 टी स्पून नमक, 2 बड़े चम्मच ऑयल। आटे में ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे में ऑयल और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथना है। आटा को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, सेमी कड़क रखेंगे। आटा मैंने गूंथ लिया है, आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़क है, टक कर लेंगे। यहाँ पे किचन टॉवल ले लिया है, पानी में डिप करके पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। आटे को अच्छे से ढक के 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है, मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन को गरम होने देंगे। पैन गरम हो चुका है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लेंगे, 1 टीस्पून बारीक कटा लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटा अदरक,
दो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। एक बड़े साइज के प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होने लग गया है, हाफ कप बिल्कुल बारीक कटा पत्ता गोभी मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून सोया सॉस मिक्स करेंगे, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 कप पनीर, होममेड पनीर है, ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए कुछ सेकंड भून लेंगे। मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार है, गैस को ऑफ कर लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे स्टफिंग को। आटा को एक बार फिर से नीट कर लेंगे। आटा को नीट कर लिया है, बिल्कुल चिकना हो गया है, लोइया कट कर लेंगे। नींबू के साइज से थोड़ा छोटा ही रखेंगे। सारा लोइया मैंने कट कर लिया है, आटे का एक पोर्शन लिया है, तलहटी पे रख के ऐसे चिकना चिकना कर लेंगे। ऐसे ही सारे लोइया चिकना कर लेंगे। सारे लोइया को मैंने चिकना चिकना करके पेड़े की तरह बना लिया है। लोइयों को गीले कपड़े से ढक के ही रखेंगे, नहीं तो कड़क हो जाएगा ऊपर से। सूखा आटा ले लिया है, यहीं एक साइड में रख लेंगे। चकला ले लिया है, एक लोइया लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे, पूरी बेलेंगे। पूरी हमें ऐसे बेलना है कि साइडों से पतला रहे और बीच से थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बीच में बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे साइडों से बिल्कुल पतला है और बीच में मोटा रखा है। एक प्लेट में रखते जाएंगे, पूरियों को भी ढक के रखेंगे, नहीं तो ऊपर से कड़क हो जाएगा। फिर से दूसरी पूरी बेल रही हूँ, सेम तरीका, साइडों से पतला रखेंगे और बीच में थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। ऐसे ही जब 8 से 10 पूड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगे तो स्टफिंग करेंगे। 8 से 10 पूरे बेल कर तैयार कर लिया है, स्टफिंग कर लेते हैं। एक पूरी ले लिया है, 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग वाला पनीर रखेंगे। साइडों से पूरी को ऐसे समेटते जाएंगे। मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ऐसे फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे प्रेस करते हुए अच्छे से चिपकाएंगे ताकि मुंह खुले नहीं मोमोज का। ऐसे इसको यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, फिर से दूसरी पूरी लेंगे, पनीर रखेंगे स्टफिंग वाला, ऐसे पकड़ेंगे, साइडों से ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे, जैसे चुन्नट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दोनों साइडों से बराबर करते हुए अच्छे से मुंह चिपकाना है ताकि ऑयल में खुले नहीं। इसको ऐसे पकड़ेंगे, हल्का सा ऐसे घुमा देंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगा। सारे मोमोज ऐसे ही तैयार कर लेंगे स्टफिंग करके। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, मोमोज डाल लेंगे, एक एक करते हुए डालेंगे।
एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही रखेंगे कढ़ाई में। अभी मोमोज को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा फिर पलटेंगे। आप देख पा रहे होंगे मोमोज ऑयल में खुद ही तैरने लग गया है। बिल्कुल आराम आराम से पलट देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे मोमोज को। मोमोज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ऑयल से बाहर कर लेंगे। एक बर्तन में रखते जाएंगे। फिर से पहले की तरह थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे मोमोज को। हमारा पनीर फ्राइड मोमोज बनके बिल्कुल रेडी है स्पाइसी चटनी के साथ। बिल्कुल मार्केट की तरह बना है। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।